हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी केक। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल तरीका है। बिना अंडा और बिना ओवन के हम इसको बनाएंगे, कढ़ाई या फिर आप कुकर में भी बना सकते हैं। और बहुत ही स्पंजी और बहुत ही अच्छा केक बनकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये केक बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसको हम ऑयल से या फिर बटर से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो ये सबसे पहले हम करके रख लेते हैं जिससे कि हमें बाद में हड़बड़ी ना हो। और ये बटर पेपर हम इसमें लगा देंगे इसी साइज़ का कट करके, और इसको भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसको हम एक साइड रख देंगे अच्छे से ग्रीस करके। आप चाहें तो साइड में भी लगा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने डाला है आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून दूध, यानी आधा कप है और 2 टेबल स्पून और है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध लिया है, गरम नहीं लेना है, एकदम ठंडा भी नहीं लेना है। और इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप ऑलिव ऑयल, या फिर आप कोई रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई स्मेल ना हो। विनेगर 1.5 चम्मच, और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1/2 चम्मच। चाहें तो ना भी डालें वनीला एसेंस क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना रहे हैं। पाउडर शुगर हम इसमें डाल रहे हैं 3/4 कप, इसकी जगह आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, पर ये बहुत ही आसान है, घर में आप पीस लीजिए चीनी को। और थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसका कलर पिंक करने के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं कि पिंक कलर लेना है। और ये स्ट्रॉबेरी क्रश है, ये मैं 1 टेबल स्पून जितना इसमें डाल रही हूँ। और इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बहुत ही आसान है, ये डालने से बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर हमें मिलेगा स्ट्रॉबेरी केक का। और यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें मैंने एक छन्नी रख ली है और 1 कप भर के मैदा लिया है। और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर 3 टेबल स्पून, यानी 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। और ये बेकिंग सोडा है 1/4 चम्मच, और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच है। तो ये नॉर्मल जो मेजरिंग वाले चम्मच है मैंने उससे लिए हैं। इनको हमने छान लिया है और जो भी एक्स्ट्रा है वो हटा दिया है। छानने से जो हमारा केक है वो बहुत ही स्पंजी बनता है, अच्छा बनता है। और इसको हम पहले तो मिक्स कर लेते हैं, तो जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर लेंगे। और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते रहेंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि एकदम से फटाफट से चला के मिक्स कर दिया। कहीं पर भी आपको लगता है कि बैटर थोड़ा थिक हो गया है तो थोड़ा सा दूध आप ऐड कर सकते हैं, या फिर पतला लग रहा है तो थोड़ा सा मैदा ऐड कर दीजिए। और ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1 पिंच नमक डाल रहे हैं, इससे जो केक का टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस होगा। बैटर हमारा रेडी हो गया है, ओवर मिक्स हमें नहीं करना है। और अब हम इसको डालेंगे ग्रीस किए हुए मोल्ड में। तो फटाफट से इसको हम डाल देते हैं, बहुत देर तक केक के बैटर को हमें रखना नहीं होता है। और ये सारा का सारा डाल दिया है, 1-2 बार टैप कर लेंगे। और इसको हम रखेंगे प्री हीटेड कढ़ाई में, जो कि मैंने 10 मिनट पहले ही ढककर प्री हीट होने के लिए रख दी थी मीडियम फ्लेम पर। और इसको आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको रखेंगे, तो एक नीचे स्टैंड लगा दिया है मैंने, और इसके ऊपर हम टिन को रख देंगे। आप चाहें तो इसी टाइम पे ये केक को आप ओवन या फिर कन्वेंशन मोड पर बना सकते हैं। और इसमें केक बनने में अभी 50 से 55 मिनट लगेंगे, टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम मैंने ली है, जो हैवी वाली क्रीम केक के लिए आती है। और 10-12 घंटे पहले उसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और ये इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बीट करेंगे स्टिप पीक्स आने तक। तो इसका पूरा वीडियो एक मेरे चैनल पर है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है अगर आप इससे करते हैं तो, हाथ से बहुत टाइम लगता है। देखिए स्टिप पीक्स आ चुके हैं, 7 से 8 मिनट में आराम से बीट हो जाती है क्रीम। और क्योंकि अभी हमारे केक में टाइम है बेक होने में, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और चाहें तो पहले से भी आप ये काम करके फ्रिज में रख सकते हैं। और अभी यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं तो हमें इसका अच्छा फ्लेवर भी चाहिए। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ को हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। तो ये बिल्कुल बढ़िया फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आपको इसमें यूज़ करनी है, और छोटे छोटे पीस हमें करने हैं क्योंकि हम लेयर्स में भी लगाएंगे पीसेज और ऊपर भी डेकोरेट करेंगे छोटे छोटे पीसेज से।
तो ये मैंने कर लिए हैं कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को छोटे छोटे पीसेस में, और इसमें हम 1 चम्मच पिसी हुई चीनी मिला रहे हैं और इसको मिक्स करके एक साइड रख देंगे। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं थोड़ा बड़ी वाली मैंने ली हैं, इनको हम पतले पतले स्लाइसेस करेंगे, चौड़े चौड़े। इसको भी हम सजाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कुछ मैंने कर लिए हैं, तो जितना भी आपकी केक की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो 55 मिनट के लगभग हो गए हैं, केक हमारा बेक हो गया है। बीच में मैंने एक बार खोल लिया, तो देख सकते हैं कि बीच में ये फ्लैट हो गया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो ध्यान रहे कि आप केक को बहुत जल्दबाजी में ना खोलें, नहीं तो यही हाल होगा। अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। केक की टाइमिंग आपकी 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको सब्र करके आप चाहें तो 5 मिनट और बेक कर लें। अब इसको हम ढक कर रख देंगे ठंडा होने के लिए, अच्छे से ठंडा करना पूरी तरीके से। केक हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, साइड अपने आप छोड़ देता है ये, और चाकू की हेल्प से हम एक बार साइड में ज़रूर चला लें, जिससे कहीं भी अगर थोड़ा बहुत चिपका है तो आराम से निकल आएगा। और इसको हम पलट लेंगे, कितनी आसानी से निकल आता है। इसको हमने ग्रीस किया हुआ है, तो देखिए कितना बढ़िया स्पंजी केक बना है। और इसका जो हमारा पेपर है वो हटा देंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल आता है। और केक भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो ये बैक साइड है केक की, अब हम इसको कट कर लेंगे 2 पार्ट में। आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स भी कर सकते हैं, पर मैं 2 ही पार्ट में कर रही हूँ, 2 ही लेयर बनेंगी इसकी। और सावधानी से आपको कट करना है, जिससे केक हमारा ख़राब ना हो, बराबर दोनों लेयर निकल कर आएंगी। कितना बढ़िया जालीदार स्पंजी और सॉफ्ट केक बनकर रेडी हुआ है। इसको तो आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, पर आज हम इस पर फ्रॉस्टिंग करेंगे, आइसिंग करेंगे। तो जो ऊपर पार्ट था जो थोड़ा सा फ्लैट हो गया था, वो हम नीचे ही रखेंगे, जिससे कि ऊपर की तरफ जो हम आइसिंग करें तो हमें बराबर फ्लैट सरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक केक बोर्ड रख लिया है, आप चाहें तो डायरेक्टली आप इसको प्लेट पर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी व्हिप क्रीम बीच में डालेंगे और केक को उल्टा करके रख देंगे हम एक स्लाइस को, जिससे कि केक हमारा हिले डुले नहीं जब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो। और ये स्ट्रॉबेरी और शुगर वाला जो हमारा मिक्सचर है वो देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा पानी है निकला, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम जो स्पंज है उसको हम थोड़ा सा गीला करने के लिए यूज़ कर लेंगे। कम है तो फिर आप नॉर्मल पानी या फिर पिसी हुई चीनी के साथ पानी मिलाकर भी शुगर सिरप बना सकते हैं ऐसे, और स्पंज को बढ़िया सॉफ्ट बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी वाला है तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा। और ये मेरे पास जो क्रश है, ये हम इस पर एक लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्रीम डाल दी है और इसको हम बराबर से चारों तरफ फैला देंगे। इसमें हमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बस ऐसे ही हमें इसको घुमाते हुए चारों तरफ अच्छे से सेट कर लेनी है बस। अगर ये आप काम गर्मियों में कर रहे हैं तो ध्यान रहे ये आप ठंडी जगह पे करें, जहाँ पर एसी लगा हो, क्योंकि क्रीम हमारी बहुत जल्दी मेल्ट होती है। और इसके ऊपर ये कटी हुई स्ट्रॉबेरी जिसको हमने पिसी हुई चीनी के साथ मिला के रखा था वो है, इस पर हम डाल देंगे अपनी लेयर एक, और फिर से ऊपर से क्रीम हम एक बार लगा देंगे। और इसको अच्छे से हमें लगाना है, जिससे कि स्ट्रॉबेरी जो सारी हैं वो अच्छे से क्रीम से ढक जाएं। पूरी तरह ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि आपकी बाहर ना आए। और ये देखिए इसको अच्छे से मैंने फैला दी है। और ये काम आप बहुत आराम से कीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कीजिए। और ये जो दूसरा वाला जो पार्ट था ऊपर वाला, इसको भी हम शुगर सिरप से कोट कर देंगे और उस पर रख देंगे। तो मैंने अंदर की तरफ से किया था, और ऊपर की तरफ से भी कर देते हैं थोड़ा सा, जिससे अंदर तक पहुंच जाए सारा सिरप। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट लगता है। अब हम साइड से भी क्रीम से केक को ढक देंगे बराबर से। तो घुमाते हुए आपको एक पहले पतली लेयर लगा लेनी है, और उसके बाद फिर आपको क्रीम का एक और लेयर लगाना है। 2-3 लेयर लगेंगी, जिससे कि फिनिशिंग आपकी आएगी। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है, धीरे धीरे फिनिशिंग आती है, एक बार में नहीं आती है। और ऊपर की तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, एक पतली पहले हम
लेयर सेट कर देते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्रीम से इसको हम घुमाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर हम वैसे भी डेकोरेट करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है फिनिश देने की, लेकिन आप सिंपल सा या फिर कोई और डिज़ाइन बना रहे हैं तो ऊपर की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ से केक को अच्छे से क्रीम से ढक दिया है। ऊपर हमें कुकी अलग डिज़ाइन करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास कॉम वाला डिज़ाइन है, साइड में मैं इसको चला के एक डिज़ाइन बना लेती हूँ हल्का सा, तो साइड में डिज़ाइन बन गया है। और अभी हम स्ट्रॉबेरीज जो हमने लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस किए थे वो हम लगा देंगे। तो जो भी केक को आपको डेकोरेट करना है वो पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे इसको बनाना चाहते हैं, कैसे सजाना चाहते हैं। तो चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है, साइड को हम किसी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर से साफ़ कर देंगे। अब हम ऊपर की तरफ डेकोरेट करेंगे इसको। तो जो स्ट्रॉबेरीज हैं मेरे पास कटी हुई उनको हम ऊपर अच्छे से रख देंगे ज़्यादा मात्रा में। और यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है, एक सिंपल सा नोज़ल लगा दिया है, तो चारों तरफ इसके हम ऐसे ही डिज़ाइन सिंपल सा कर देंगे जिससे कि स्ट्रॉबेरीज वहीं अंदर सेट रहें। तो आपको ऐसे ही घुमाते हुए कर लेना, ये जो भी आपका मन है जैसा भी डिज़ाइन आप चाहते हो आप इस पर अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये बनाना, बहुत ही आसान है केक, बहुत ही टेस्टी बनकर आता है, देखने में सिंपल और बहुत सुंदर। अभी इस नोज़ल को मैंने चेंज कर दिया है, तो एक मैंने स्टार नोज़ल लगा दिया है और इससे हम केक को साइड में डिज़ाइन कर लेंगे। ये मैंने चारों तरफ से ऐसे ही सिंपल सा डिज़ाइन कर दिया है, बीच में भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और इसके ऊपर हम एक स्ट्रॉबेरी रखेंगे। तो डिज़ाइन आपकी चॉइस पे है कैसा आप करना चाहते हो केक को। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है ये केक, और ये केक सबको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं नीचे और बना देती हूँ डिज़ाइन जो खाली स्पेस है, और जब आप इसको खाते हैं ना तो बिल्कुल हर जगह स्ट्रॉबेरी का ही फ्लेवर आता है। तो ये केक हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।